नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र यादव उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आज उपस्थित हूँ। आज के क्लास में बीकॉम स्तर पर संचालित कोर्स कोड 205 को लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि ओवरहेड्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष सामग्री व्यय, इनडायरेक्ट मटेरियल कास्ट, अप्रत्यक्ष श्रम व्यय, इनडायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट लेबर कास्ट और अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम सम्मिलित करते हैं। ICMA लंदन ने ऊपरी व्यय की निम्नलिखित परिभाषा दी थी, तो इस परिभाषा में आप देखिए कि अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक तथा अप्रत्यक्ष व्यय के योग को ऊपरी व्यय कहते हैं। स्पष्ट है कि ऊपरी व्यय अप्रत्यक्ष व्यय से अधिक व्यापक शब्द है। इस प्रकार से इस परिभाषा को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो ऊपरी व्यय ओवरहेड्स है इसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें हम अप्रत्यक्ष सामग्री को सम्मिलित करते हैं, अप्रत्यक्ष श्रम को सम्मिलित करते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय को सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः दोनों शब्दों में अंतर नहीं समझा जाता है। ये जो दोनों शब्द हैं अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष व्यय, इसमें अप्रत्यक्ष व्यय और ओवरहेड्स, इन दोनों में अंतर जो है सामान्यतः नहीं दिखाई देता है, परंतु ICMA लंदन की परिभाषा ने यह अंतर स्पष्ट कर दिया। अप्रत्यक्ष व्यय ऊपरी व्यय का एक अंग है। कुल लागत में से यदि प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय को निकाल दें तो शेष ऊपरी व्यय कहलाता है। यदि ऊपरी व्यय में से अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम व्यय को निकाल दें तो शेष अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। उसको हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि ऊपरी व्यय जो है, ऊपरी व्यय में क्या क्या सम्मिलित है, तो अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय। जैसा कि अगर ऊपरी व्यय की कोई राशि 200 रुपये है तो यहाँ पर हम देखें कि अप्रत्यक्ष सामग्री 80 रुपये है और अप्रत्यक्ष व्यय 70 रुपये है, अप्रत्यक्ष श्रम जो है 70 रुपये, अप्रत्यक्ष व्यय 50 रुपये। अब इनका योग जो है वह कुल मिलाकर के ऊपरी व्यय 200 रुपये होता है। अब हम यहाँ पर देखें कि ऊपरी व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय इन दोनों को एक ही समझा जाता है, परंतु ICMA लंदन ने परिभाषा देते समय दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो ऊपरी व्यय में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय को शामिल करते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय को देखा जाए तो ऊपरी व्यय में से हम प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष व्यय को हम देखें तो ऊपरी व्यय में से अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम को अगर हम घटा दें तो जो हमारा वैल्यू बचता है वो अप्रत्यक्ष व्यय के रूप में जाना जाता है। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मुख्य रूप से ये जो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, तो यहाँ पर फैक्ट्री के लेवल पे हम ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हम ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे हम ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत तीन प्रकार के व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और वे समस्त अप्रत्यक्ष कारखाना व्यय जो कारखाना में किए जाते हैं, जैसे कारखाने का किराया, शक्ति, पावर, प्रकाश, लाइट, मशीन का बीमा, कारखाने के प्रबंधक तथा फोरमैन का वेतन आदि, इसे वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। अब इस प्रकार से
जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसके बाद हम अब देखते हैं। अब इस प्रकार से जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर और वे सभी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के लेवल पे किए जाते हैं वे सभी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस मद के अंदर कार्यालय तथा प्रशासन से संबंधित सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। कार्यालय भवन का किराया और कार्यालय कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय की सफाई तथा रोशनी व्यय, कार्यालय के संचालक तथा प्रबंधक का पारिश्रमिक आदि। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप में किए जाते हैं वे सभी एक्सपेंस हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में सम्मिलित किए जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरे पड़ाव पे हम चलते हैं, तो विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें क्या क्या आता है, तो किसी वस्तु के निर्माण होने के पश्चात जब हमारा वो प्रोडक्शन किया जाता है तो वो जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद उस पर जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं वे सभी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। अब इसमें विक्रय व्यय के उदाहरण इस प्रकार से हैं, विक्रय प्रबंधक सेल्स मैनेजमेंट तथा विक्रय अभिकर्ताओं सेलिंग एजेंट, पारिश्रमिक विज्ञापन व्यय, विक्रय संबंधी व्यय, अप्राप्य ऋण बैड डेब्ट। विवरण व्ययों के उदाहरण हैं गोदाम व्यय, सुपुर्दगी गाड़ियों के व्यय आदि। अब आगे हम देखते हैं तो ये जो ओवरहेड्स हैं इन ओवरहेड्स को हम आगे चल के इसका एक विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इन ओवरहेड्स में कौन कौन सम्मिलित हैं। ओवरहेड्स में जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, सबको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसका विश्लेषण करके देखेंगे कि किसमें क्या आता है। तो सबसे पहले हम अब कारखाना ऊपरी व्यय फैक्ट्री ओवरहेड्स को देखते हैं, इसे हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। कारखाना ऊपरी व्यय में निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। अब आप देखिए इसमें क्या है, तो कारखाने की भूमि तथा भवन का किराया, जो फैक्ट्री का लैंड्स है और उसकी बिल्डिंग है उसका जो भी रेंट होता है हम उसे कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो कारखाने के भवन पर लगने वाला म्यूनिसिपल कर, जो म्यूनिसिपल कर है, टैक्स है, वो उसे हम कारखाने के भवन के ऊपर पे करते हैं, उसको भी हम कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड्स में सम्मिलित करते हैं। अब कारखाने की संपत्ति व मशीन का बीमा व्यय, यहाँ इंश्योरेंस चार्जेज ऑफ फैक्ट्री एसेट्स एंड मशीनरी एट्सेट्रा, उस पर जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उसे भी शामिल करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास प्लांट है, मशीनरी है, उस प्लांट और मशीनरी का डिप्रेसिएशन उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल करते हैं। और जो भी हमारे पास फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का भी हम डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं, उसे भी हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद जो हमारा फैक्ट्री का मैनेजर है, उस फैक्ट्री के मैनेजर का जो हम सैलरी पे करते हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारा मैनेजरियल पर्सन है उसका जो भी सैलरी हम पे करते हैं उसे भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उचित सीमा तक सम्मिलित किया जाने वाला पूंजी ब्याज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जो पूंजी ब्याज है, कैपिटल इंटरेस्ट है,
यदि इसे हम परिव्यय का अंग मान लिया गया हो तब यहाँ पर शामिल करते हैं, अन्यथा यहाँ पे इसे शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये यहाँ का विषय नहीं है। अब यहाँ पर हम कारखाने के अंदर जो भी लाइट है और एयर की व्यवस्था की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फैक्ट्री लेवल पे किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फैक्ट्री लेवल पे किया गया है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो सब हमारा कहाँ पे आता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। कारखाने के भवन, प्लांट मशीनरी की मरम्मत व अनुरक्षण का व्यय, जो हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री मशीन है और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी प्लांट है, उन सब का जो रख रखाव करने में जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, उन सबको भी हम कारखाना व्यय में सम्मिलित करते हैं। अब जो फैक्ट्री पे छोटे छोटे औजार होते हैं, लूज टूल्स, लूज इक्विपमेंट्स, उन सबको भी हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत लेकर के आते हैं। अब फैक्ट्री लेवल पे छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी जो भी हमारे पास वस्तुएं होती हैं, जैसे देखिए पेंच, कीले, बोल्ट्स, ये सब भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मशीन का ऑयल, सफाई व्यय, जो भी हमारी मशीनें हैं, मशीनरी की जो क्लीनिंग की जाती है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है वो सब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। अब अप्रत्यक्ष सामग्री, खराब कपास, ब्रश, पेटी इत्यादि, जो भी इनडायरेक्ट हमारे मटेरियल्स होते हैं, वे फैक्ट्री के लेवल पे जो उसमें से कुछ वेस्टेज हो जाते हैं, उन सबको भी हम लेकर के फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही दिखाते हैं। भंडार के व्यय, भंडार वेयर हाउस पे जो एक्सपेंस होता है, उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो जहाँ पे रखा गया है वहाँ का जो एक्सपेंस है उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पे दिखाते हैं। अब सामग्री की साधारण हानि, ये नॉर्मल वेस्टेज जो होता है उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के ही अंतर्गत दिखाते हैं। उसके बाद जो ऑफिस ड्राइंग सैलरी होता है, कार्यालय नक्शा व्यय, उसको भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही दिखाते हैं, यदि उसे प्रत्यक्ष व्यय नहीं माना गया है। अगर उसे डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया गया है तब तो वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, अदरवाइज वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में ही दिखाया जाएगा। और सारे ओवरहेड्स जैसा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर इसे डायरेक्ट मान लिया गया होता तो ये यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। कार्यहीन काल का साधारण व्यय, तो जो वर्क जैसे हमारा चल रहा है, अगर वर्क किन्हीं कारणों से रुक गया है उस समय भी हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं, तो वो भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाए जाएंगे। अवकाश के दिनों का सैलरी, जो जिस दिन छुट्टियां रहती हैं उस दिन भी अगर सैलरी ड्रा किया जाता है तो उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। जैसे कि फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री पे काम अगर जिस दिन अवकाश है उस दिन नहीं होता है, फिर भी उसका सैलरी पे किया जाता है, तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। अधि समय का पारिश्रमिक, जो भी हमारा ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम के लिए जो पेमेंट किया जाता है, उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। शक्ति की मरम्मत, देखभाल, घिसाई का व्यय, जो भी ये एक्सपेंस हैं वो सभी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। अब हमारा फैक्ट्री पे जो भी स्टेशनरी और टेलीफोन का व्यय है, जो भी कम्युनिकेशन पर्पस से एक्सपेंस किए जाते हैं, और स्टेशनरी वगैरह अगर वो फैक्ट्री लेवल पे है तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में ही दिखाते हैं। कारखाने के नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण व्यय, जो हमारे फैक्ट्री पे जो वर्कर्स आते हैं, उन वर्कर्स को हम ट्रेंड करते हैं और उसे ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके लिए जो एक्सपेंस आता है वो भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही दिखाया जाता है। प्रयोगात्मक तथा अनुसंधानात्मक व्यय, वे प्रत्यक्ष व्यय न हो, ऐसे व्यय जो डायरेक्ट एक्सपेंस न हो और फार वो
एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो उनको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में दिखाते हैं, उसे टेस्टिंग के रूप में भी यूज करते हैं, वहाँ भी एक्सपेंस होता है, तो वो सब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पे दिखाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये जो टेस्टिंग किए जाते हैं, उनका संबंध डायरेक्ट एक्सपेंस के से न हो, तब उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। उत्पादन के निरीक्षण का व्यय, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, अब ऑब्जर्वेशन में जो टीम रहती है उसका भी जो एक्सपेंस बनता है उसे भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। श्रमिक कल्याण के लिए किए गए व्यय, जो हमारे फैक्ट्री लेवल पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है उसे भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। कारखाने के लिपिक कार्य का व्यय, जो कारखाने पे ऐसा एक क्लर्कल स्टाफ है जो केवल फैक्ट्री के से संबंधित कार्यों के लिए उसे रखा गया है, तो उसका जो सैलरी होता है उसे भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाते हैं। अब अगला हमारा है कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अगर इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करें तो इसमें निम्न व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, ऐसे एक्सपेंस जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये हमारे जो एक्सपेंस है इसको हम ओवर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के रूप में लिखते हैं उसको। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यालय के प्रबंधक व कर्मचारियों का वेतन, जो भी हमारे ऑफिस के जो मैनेजर्स होते हैं, ऑफिस मैनेजर्स और वहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं उन सब की सैलरी हमारी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो एक्सपेंस किया जाता है, इसलिए हम उसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंतर्गत यूज करते हैं। कार्यालय भवन का ह्रास मरम्मत किराया व इंश्योरेंस, जो भी ऑफिस जो हमारा है उस ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसका डिप्रिसिएशन और उस ऑफिस की बिल्डिंग का हमने रिपेयर कराया हुआ है और यदि वो किराए पे है तो उसका किराया और सेफ्टी के लिए हमने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो ये इंश्योरेंस, ये सब हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। अब ऑफिस में जो लाइट का हमारा एक्सपेंस है, जो लाइटिंग पे हमारा एक्सपेंस किया जाता है ऑफिस लेवल पे, उसे भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंतर्गत दिखाते हैं। उसके बाद फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर हमारा अगर वो ऑफिस के लिए यूज किया जाता है तो उस फर्नीचर का जो एक्सपेंस होता है उसे भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लाते हैं। यदि उस फर्नीचर की मरम्मत की गई है व घिसाई, यदि उस फर्नीचर की मरम्मत व घिसाई की गई है यानी कि उसको यूज करने के लिए अगर उस पर कुछ एक्सपेंस किया गया है तो वो भी हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि डाक व्यय व टेलीफोन व्यय, ऑफिस लेवल पे जो कम्युनिकेशन पर्पस से हमारे पास जो ये डाक व्यय यानी कि पोस्टल चार्जेस जो होते हैं जिससे हम गुड्स को कहीं से सेंड करते हैं, गुड्स को मंगाते भी हैं और कम्युनिकेशन पर्पस से हम अगर टेलीफोन यूज करते हैं तो ये सब हमारा जो एक्सपेंस है ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में दिखाया जाता है। संचालन एवं लेखा परीक्षण शुल्क, यहाँ देखिए ऑपरेशन एंड ऑडिट, ऑडिट फी जो होता है वो भी हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पर प्रबंध संचालक का वेतन व पारिश्रमिक, जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर जो होता है उसका जो हमारा सैलरी और रेमुनरेशन उसका होता है उसको भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में दिखाते हैं। कार्यालय को वातानुकूलित करने का व्यय, ऑफिस लेवल पे जो हमारा एसी या जो भी वातानुकूलित करने के लिए एनवायरनमेंट फ्रूटफुल बनाने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंस किए जाते हैं वो सब हमारे ऑफिस एक्सपेंस में एक गिने जाते हैं। उसके बाद कार्यालय की स्टेशनरी व पुस्तकों का व्यय, ऑफिस पे जो भी स्टेशनरी यूज की जाती है, जो भी हमारे
अकाउंटिंग बुक्स होते हैं वो सब हमारे ऑफिस ओवरहेड्स में गिने जाते हैं। कानूनी खर्चे, लीगल एक्सपेंस, तो फैक्ट्रीज से रिलेटेड जो भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं उसके संदर्भ में जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसे भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में काउंट करते हैं। अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वित्तीय व्यय, जो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के रूप में काउंट किए जाते हैं, उसे भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। अधिशेष व्यय, बैंक चार्जेज, अधिकोष व्यय, तो जो बैंक चार्जेज होते हैं, बैंकिंग चार्जेज, उसे भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में दिखाते हैं। और विविध कार्यालय व्यय, मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में दिखाते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स में देखें हम तो जिन व्ययों का संबंध निर्मित वस्तुओं के विक्रय से होता है उन्हें बिक्री व्यय कहा जाता है। यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन के बाद उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं वे एक्सपेंस हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के रूप में दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, तो विज्ञापन व्यय, प्रोडक्शन हमारा हो गया उसे सेल करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होती है जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालता है, तो ये हमारे एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्राइस, जो मूल्य सूची है या स्पेसिमिन जो भेजने का एक्सपेंस होता है उसे भी हम सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाते हैं। विक्रय प्रतिनिधियों का कमीशन, जो सेलिंग एजेंट्स हमारे होते हैं उनको जो कमीशन दिया जाता है या उन्हें सैलरी दी जाती है वो भी हमारे सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाए जाते हैं। और विक्रय यात्री व्यय, विक्रय के लिए जो यात्राएं की जाती हैं वे सब हमारा सेलिंग के पर्पस से किया जाता है तो उसे हम सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाते हैं। विक्रय व विज्ञापन प्रबंधकों का वेतन, जो हमारा सेल्स मैनेजर होता है या एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है उनका जो हमारा सैलरी होता है उस वेतन को भी, उस सैलरी को भी हम सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाते हैं। ग्राहकों को दिया गया कमीशन व कटौतियाँ, जो भी हम कमीशन पे करते हैं, जो भी डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ये सब हमारे सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाए जाते हैं। अप्राप्य ऋण, बैड डेब्ट, ऐसे ये बैड डेब्ट जो हमें मिलते नहीं है वो हमारा डूब जाता है, इसको भी हम सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाते हैं। अप्राप्य ऋणों की वसूली के लिए कानूनी व्यय तथा अन्य व्यय, जो बैड डेब्ट थे उस बैड डेब्ट को हम रियलाइज करने के लिए अगर जो भी हमारे पास कोई कानूनी एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस होते हैं उन एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस जो उससे रिलेटेड हो बैड डेब्ट के को हमें प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए हम जो एक्सपेंस करते हैं वो भी हमारा सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। अब यहाँ दुकान पर वस्त्र प्रदर्शन का व्यय, जो हम एक प्रदर्शनी लगाते हैं उसका जो एक्सपेंस होता है वो भी हमारा सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाया जाता है। बिक्री से संबंधित डाक व्यय, जैसे कि जो हम सेलिंग करते हैं और उसका जो हमारा पोस्टल चार्जेज होता है वे भी हमारा सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। विक्रय एजेंसियों और शाखाओं के व्यय, जो हमारे ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज के जो हमारे एक्सपेंस होते हैं या जो हम सेलिंग एजेंसी के माध्यम से सेलिंग करते हैं तो ये जो भी एक्सपेंस होता है ये सब हमारा सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाया जाता है। अब आते हैं तो ग्राहकों के स्वागतार्थ किए गए फुटकर व्यय, जो ग्राहकों के आवभगत के लिए, ग्राहक को के स्वागत के रूप में जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वे भी हमारे सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाए जाते हैं। अब यहाँ टेंडर प्राइस की बात करें, टेंडर प्राइस का अनुमान लगाने के लिए अगर व्यय हुआ है उसके लिए नक्शा डिजाइन कुछ बनवाना पड़ा है तो उसके लिए जो भी एक्सपेंस है वो भी हमारा सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। पैकिंग और पैकिंग के व्यय, जो पैकिंग मटेरियल है और पैकिंग में जो एक्सपेंस आते हैं उनको भी हम सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में दिखाते हैं। अब सेलिंग ओवरहेड्स
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों एक ही पार्ट है। तो उसमें ये सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में है, आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के रूप में कौन सी कौन मदें आती है। तो यहाँ देखिए, जो व्यय तैयार वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए किए जाते हैं उन्हें हम वितरण उपरिव्यय कहते हैं। यानी कि जो हमारा फिनिश गुड्स होता है उसे हम ग्राहकों के पास भेजने का जो एक्सपेंस है देखते हैं, वे हमारा वितरण व्यय डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। और इसके अंतर्गत निम्न आते हैं, तो कौन कौन आते हैं, पैकिंग किए गए माल को भेजने के व्यय। अब माल को कैसे हम भेजते हैं, गुड्स भेजने का हमारा जो माध्यम होता है वो रेल, जहाज और एट्सेट्रा जो भी होता है उसका किराया व व्यय, ये सब हमारा कहाँ पे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के रूप में दिखाया जाता है। अब बिक्री के माल का ढुलाई व्यय, जो कैरिज आउटवर्ड चार्जेज होता है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दिखाते हैं। सुपुर्दगी गाड़ियों डिलीवरी वैन्स का व्यय, जो डिलीवरी वैन होता है उसमें भी जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के रूप में दिखाया जाता है। और वेयर हाउस का जो एक्सपेंस है हमारा, गोदाम का जो व्यय है, जैसे किराया, डिप्रेसिएशन, गोदाम का हमारा रेंट भी हो सकता है, डिप्रेसिएशन भी हो सकता है और उसका मरम्मत रिपेयर भी हो सकता है, वहाँ के कर्मचारियों की सैलरी भी हो सकती है, और माल का बीमा, जो हमारा गुड्स है उसका इंश्योरेंस हमने करा रखा है, एट्सेट्रा, ये जो भी एक्सपेंस होते हैं सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दिखाए जाते हैं। गोदाम में निर्मित माल की हानि, तो जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे निर्मित माल, जो फिनिश गुड्स है, जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर उस वो किसी कारणवश उसकी हानि हो गई, क्षय हो गया, किसी कारणवश से उसमें डिफेक्ट आ गया, तो वो भी उससे संबंधित जो भी हमारा लॉस होगा उन सभी लॉस को भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में काउंट करेंगे। अब इस प्रकार से आपने देखा कि ओवरहेड्स जो है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन कौन सी मदें आती हैं, तो उसको आपने आज यहाँ पे देखा। और आशा करते हैं कि आप ओवरहेड्स को समझ गए होंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।